कौन है देखियो जरा। मैं देखूं? हाँ जा देखता हूँ। पता नहीं कौन आ रहा इस टाइम पर। क्या हो रहा है लड़कियों? आराम ले रहे हो बच्चे? बस गुड मॉर्निंग। अरे बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए। अरे आंटी वो हम कुछ काम कर रहे थे ना इसलिए पता नहीं चला। वो भी है 6 महीने का किराया कब दोगे? किराया दोगे या कमरा खाली करोगे? 6 महीने का किराया होगा बेटा, आपने किराया नहीं दिया है बिल्कुल भी। या फिर कमरा खाली करवा दो, नहीं तो कहीं और देख लो कमरा। अरे यार अब फिर से दुखी करेगी ये मकान मालकिन, अब क्या करें। हो गए दादाजी? आंटी पैसे नहीं अभी हमारे पास, जॉब नहीं मिली। हम आपको 1 महीने बाद दे देंगे आपको। ओके 1 और मंथ। अरे वाह लगता है मिल गया 1 और मंथ। खाली कर देना, शाम को किराया आ रहा है नया, नहीं तो सामान सारा बाहर फेंक दूंगी गली में। हमें मकान कैसे मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता है। अरे सुनो तो सही। सुनो आंटी। अब क्या करें? अरे तो बोल गई। वो ही नहीं करते हैं कुछ। चल तो फिर पैकिंग कर ले। हाँ चल। 2 hours later। अब क्या करें यार? तूने नए घर के लिए कॉल किया है क्या? हाँ यार वो तो कर दिया है। शायद हमें रूम मिल गया। उठो उठो जल्दी से। हाँ जी ला मेरी बात करा। हेलो हाँ जी हाँ हमें चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है अच्छा कब तक शिफ्ट हो जाए? हमें आज शाम को ही चाहिए, मतलब अभी आ रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके कोई नहीं चलो रूम मिल गया। लेकिन यार एक दिक्कत है। क्या? वहाँ पे लड़का रहता है साथ में। यार हम लड़कों के साथ नहीं रह सकते। पर तो इतनी टेंशन तो ले रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, वरना आज रात यहीं पे काटनी पड़ेगी खुले में। तो पता है भगवान का भी सब कुछ है, पर कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। चल चलते हैं फिर। चल आंटी चप्पल मार रही है गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 और मंथ बस। ओके भी तो बोल।